प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर अब रावलपिंडी से आ रही है, जहां रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई है। इमरान समर्थकों ने देर रात उत्पात मचाया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता पीटीआई के थे वो सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। रावलपिंडी की सुरक्षा सख्त कर दी गई है और कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां पाकिस्तान में पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की रिहाई को लेकर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दूं, तोशाखाना मामले में इमरान खान को पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने जेल की सजा सुनाई है और उसके बाद एक के बाद एक कई मुकदमे जो है उन पर किए गए और इमरान खान इस वक्त जेल में है। और ऐसे में पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर इस बात की अपील कर रहे हैं, इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच जो है वो झड़प हुई है। और इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के जो तमाम लोग हैं, विशेष तौर पर पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जवाब में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस की तरफ से आपको बता दूं कि तमाम कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रदर्शन के मद्देनजर रावलपिंडी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुआ, पथराव किया गए। पुलिस ने पीटीआई समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और इसके साथ ही साथ लगातार अभी भी प्रदर्शन को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।